जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, कावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया पत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृ दोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो, या बेलपत्री का वृक्ष हो, या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे, कुछ करा ना करा, फिर अमावस्या के दिन दिया दक्षिण की ओर बाती का मुख कर कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए और बछड़े के मुख पर जो फेन आए, उस फेन को अमावस्या के दिन चम्मच में लेकर जो बच्चा चिड़चिड़ करता हो, या पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, या दिमाग थोड़ा सा कमजोर हो, डॉक्टर के इसका विवेक काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस बच्चे को दो या तीन अमावस्या गाय जब बछड़े को दूध पिलाए, बछड़े के मुंह पर जो फेन आता है, वो फेन उस बच्चे को पिला दिया जाए, तो बच्चा विद्वान होता है, उसका विवेक काम करना प्रबल हो जाता है। जिसके शरीर पर सफेद दाग पड़ गए हो, चर्म रोग हो गया हो, चमड़ी सफेद पड़ गई हो, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस बछड़े का मुख में जो फेन आए उसको निकाल लीजिए। शरीर में जहां जहां पर सफेद दाग पड़ गए हो, चमड़ी सफेद हो गई हो, उस जगह पर लगा लीजिए। कम से कम आधा घंटा बैठ जाइए, और बैठने के बाद में उसके बाद में फिर स्नान कर लीजिए, उस फेन का प्रयोग कर देखिए, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है। जहां पर पति और पत्नी के संबंध बेकार हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, अदालत में बात पहुंच जाती है, परिवार वालों पर दहेज का केस चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कार्रवाई चालू हो जाती है, पति पत्नी में वापिस प्रेम को बढ़ाया जाए, उस प्रेम को बढ़ाने के लिए शंकर भगवान का कनेर के पुष्प की माला, काई के पुष्प की, कनेर का वो पीला जो फूल होता है, आप टीवी पर दर्शन कर रहे होंगे, कनेर के पुष्प की माला जो ऊपर जलाधारी लगी है, जिस जलाधारी में से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की पांच बेटियों का स्थान है। कौन कौन सी बेटी, नाम ले ओ? जया, विषहरा, शामली बारी, तौतली, और पांचवे नंबर की देव। ये शिव जी की पांच लड़की है जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरा रही है। शंकर भगवान की बेटियों के स्थान से शंकर भगवान की जो ये जलाधारी है, जलाधारी अशोक सुंदरी वाला स्थान, ये जो जलाधारी है, बेटियों के स्थान से जलाधारी तक जो कनेर के माला बनाकर स्पर्श कर लगा देता है प्रदोष काल के समय पर, उस पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त हो गया, अदालती कार्रवाई। यहाँ तक कहा गया कनेर का पुष्प, भाई भाई में विवाद हो रहा हो, जमीन के लिए विवाद हो रहा हो, किसी प्रॉपर्टी के लिए विवाद हो रहा हो, या किसी अन्य विवाद में पड़े हुए हो, या तुम्हारे दुश्मन बढ़ रहे हो, तो भी कनेर का पुष्प शिव को समर्पित किया जाए। जो हनुमान जी महाराज को तीन तरह की माला समर्पित होती है, एक पाकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की।
ये तीन तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, जिस समय पर अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ 108 पत्ते की और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी, कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आएगा। कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्री की माला चढ़ा, आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ 108 बेलपत्र, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए, पूर्व मुखी, हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसी समर्पित कर हनुमान चालीसा का पाठ कर तीन बार स्मरण कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए, पर करना आपको पड़ेगा भगवान, और प्रयास जहां तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा प्रदोष काल में। तीसरी है आंकड़े की माला, मार आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है, इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है, मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता, 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर उस पत्ते को बांध देना है, ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दी और उस माला को अपनी कामना कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए महाराज। इसके लिए कोई तिथि कोई दिन कोई बार निश्चित नहीं है, बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना महाराज, एक घी का एक तेल, और अपनी कामना कर आप आ जाइए, आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या, प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। एक लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए, रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए भाव का। कावड़ियों को दो चीज का स्मरण हमेशा रखना चाहिए कि जब जल भरने के लिए कावड़िया घर से जाए, आप लोग भी अगर कोई 16 अगस्त को सीओर आए, हम आपसे भी कहेंगे कावड़िया जब जल भरने के लिए जाए तो दो चीजों का स्मरण होना चाहिए, एक अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर दो स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए, दो स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए, कावड़ियों का नियम होना चाहिए घर से जब निकले दो स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए, जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापस घर की ओर जाएं तो वो दो स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छीटना अवश्य चाहिए, उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है, कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए, जब जल भरने जाओ तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर दो स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए, मेरा शिव मेरे गोरा मेरा गणेश मेरी रिद्धि मेरे सिद्धि मेरे देव नारायण लक्ष्मी राम सीता मेरे कृष्ण मेरे राधा सब वहीं पर विराजमान हो जाए,
सर्वस्व वही। कावड़ियों को स्मरण और कावड़ियों को इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि अपनी कावड़ यात्रा, जैसे सीहोर में तो 10-11 किलोमीटर की है, सीहोर सीवन नदी से जल भरा और 11 किलोमीटर दूर बाबा कुबेर भंडारी को चढ़ाया। आप सुल्तानगंज से भर रहे हो, हरिद्वार से भर रहे हो, आप प्रयागराज से भर रहे हो, जहां से भी आप जल भर रहे हो या अपने नजदीक से भर रहे हो, जितनी दूर तक कावड़ लेकर जा रहे हो उतनी दूर तक तुम्हारे मुख से व्यर्थ की बात ना निकलते हुए भगवान का नाम निकलना चाहिए। बोलबम का नारा है, बोलबम 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 बोलबम।